मायानगरी के धारावी में गैंगरेप की खबर है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि चार लोगों ने उसके साथ चलती कार में गैंगरेप किया। पुलिस अब तक दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड में रहने वाली महिला के मुताबिक 22 जुलाई को जब वो अपने घर से शॉपिंग करने बांद्रा जा रही थी तो उसे लिफ्ट देकर गाड़ी में बैठाया गया और फिर चलती गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने कहा है कि उसने मीरा रोड से बांद्रा जाने के लिए एक ऑटो लिया, लेकिन ऑटो वाले ने उसे धारावी में छोड़ दिया। जब वो दूसरे ऑटो की तलाश में थी तो एक कार में चार लोग आए और उसे बांद्रा छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस का कहना है कि चार में से दो आरोपी उसके परिचित थे। उसमें के दो लोगों को वो पहचानती थी और उनके साथ में काफी दिनों से वो उनको पहचानती थी। दो लोगों को हमने मामला दर्ज किया है और जिन दो लोगों का नाम उसने जिक्र किया है उनको हमने लाया है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस केस में पुलिस को कई झोल नजर आ रहे हैं। पुलिस की माने तो अब तक की तफ्तीश में उन बातों की तस्दीक नहीं होती जो पीड़िता ने अपने बयान में कही है। चूंकि मामला बलात्कार का है तो वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल दो आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर वो पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। अयाज अहमद के साथ निशात शमसी, मुंबई, आई बिन 7।